मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद तुम हर टेंशन और चिंता से मुक्त हो जाओगे। तुम सारी चिंताएं भूल जाओगी। क्या तुम सांसारिक दुखों से परेशान हो चुके हो? और हर बार तुम्हारे जीवन में ये दुख प्रवेश कर ही जाते हैं। जो चाहते हो वो नहीं मिलता है। कुछ क्षणों का सुख तो मिलता है, पर फिर से कष्टों का उबार तुम्हारे ऊपर उमड़ आता है। जानते हो मेरे बच्चे, इन सारे कष्टों का कारण क्या है? इन सब कष्टों का कारण तुम ही हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आशाएं और तुम्हारा मोह, यही तो है तुम्हारे कष्टों का कारण। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार जब तुम्हें कुछ नहीं मिलता और जब तुम किसी व्यक्ति से जरूरत से ज़्यादा लगाव बना लेते हो और जब वह व्यक्ति तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाता है, तब तो फिर से तुम कष्टों से घिर जाते हो। तुम खुद ही अपने मन में आशाओं के मोह का बीज बोते रहते हो और तुम खुद ही रोते रहते हो। अपने मन को आशाओं से मुक्त करो मेरे बच्चों। जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करना सीखो, उसमें खुश रहना सीखो। मोह माया से अपने मन को मत उलझाओ। सुलझा हुआ विचार लाओ अपने मन में। तुम्हारे कर्मों के अनुसार यह ब्रह्मांड तुम्हें फल देगा और बहुत कुछ छीनेगा भी। कब तक फंसे रहोगे इस चक्रव्यूह में? कब तक उलझते रहोगे? कभी तो सत्य से साक्षात्कार होगा तुम्हारा। जानते हो मेरे बच्चों, यह कष्ट तुम्हें क्यों मिलते हैं? ताकि तुम समझ पाओ, इस संसार में जितनी बार तुम आओगे उतनी ही बार तुम्हें पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। यह कष्ट पाना भी आवश्यक है मेरे बच्चे, नहीं तो तुम कभी भी संसार के मोह को छोड़ नहीं पाओगे। मेरे इस संदेश को मन से चिंतन करना मेरे बच्चे।